खालसा की जन्मभूमि श्री अनंदपुर साहिब, यहाँ पे खालसा पंथ की नींव रखी गई थी और जहाँ से खालसा जो है उत्पन्न हुआ था, खालसा बनाया गया था। यहाँ पे श्री अनंदपुर साहब की हम बात कर रहे हैं, पहले तस्वीरें दिखा दें, बात क्या है, किस चीज़ को लेकर हम श्री अनंदपुर साहब में आज खड़े हैं। ये रास्ते देख लो, ये गलियाँ देख लो, ये श्री अनंदपुर साहब की गलियाँ हैं, ये कहीं और की नहीं है, श्री अनंदपुर साहब की गलियाँ, जिसको श्री अनंदपुर साहब, जिसको पवित्र स्थान कहा जाता है, खालसे की जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ की ये हालात वहाँ के हैं। हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पे खुद काम कर रहे थे, जिसको लेकर हमारा इनसे बात करने के लिए थोड़ा हुआ कि इनसे बात करके पूछ लें आखिर बात क्या है, क्योंकि ये नगर कौंसिल के अधिकारी तो लग नहीं रहे थे। खुद काम कर रहे हो? हाँ जी, क्या बात होगी, खुद काम कर रहे हो? प्रशासन के बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैले होया। एमसी को ही 3 बार जाए हैं, वोटां लैन तो आए, कहते थोड़ा काम करांगे, इदा करांगे, हुण साड़ी सुनाई नहीं। एक बार भी नहीं खड़े आके एमसी साडा, एक नंबर वार्ड दा मजारे दा, 2 नंबर च भी एमसी है कमलजीत, वो भी वोटां लैन आते, वो भी नहीं आया साढ़े देखन भी, देखो रोज नंगते पे इतने हालत खराब है बच्चों की। अगर बात कर लें, साथ ही में हॉस्पिटल भी है, और डेंगू की बात कर लें, अगर डेंगू मरीजों की बात कर लें, बोलते हैं डेंगू बढ़ रहा है और हालात जो आप गलियों के जे है, देखो बच्चे साढ़े बीमार होया करते जी, ठीक नहीं है, घर के बीमार होया करते, पूरा महला बीमार है, 5 महीने हो गए गंद पाए इन्हों लैन पाए वाटर सप्लाई वालों, बिच कमेटी वाले भी है, कमेटी वाले ने सड़क नहीं बनाया करते, वाटर सप्लाई वाले 2-3-4 खुदियाँ बंद है, इटा बिच गिरिया, पता नहीं क्या क्या गिरिया, बिच कढ़दे नहीं है, 2-3 बारी गड्डिया आ लिया प्रेशर मार दे, फिर ब्लॉकेज हो जाती है, वो कोई माड़ा जहा कहू चक आते, माड़ा जहा गंद कढ़ते, फिर ब्लॉकेज हो जाती है जी। आपने इसके लिए बात की किसी से? मैं जेई साहब न कई 2-3 बारी कह लिया, जेई साहब वाटर सप्लाई वाले, उन्होंने भी नहीं सुनया, एमसीआ ने भी कहा, मैं एमसीआ ने भी नहीं की जी। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये इल्जाम है कि सुनवाई नहीं हो रही, क्या 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 कहना चाहते हो? मैं कहता कहा जाम होया वा, देखो कितना तो जाम होया, गंद नाक नहीं दिया करता, इतने रोटी नहीं खा होंगे, इतने बैठ नहीं होंगे, ये क्या होना चाहिए फैसला, ये करो कोई हल करो, तुम ये तुम करोगे कि मैं करूँगा, आ देखो हो रही अपने हाथ कि सफाई करूँगे, कमेटी कहदे वास्ते बनया वा, इस करके कि गली दे सफाई हो, जब सफाई नहीं होने आप कितनी सफाई करोगे, आप बाल बच्चे देखने अपने कमाने रोटी खाने के गलियां दे सफाई करी जाना वा, है इतने 100 बंदे आते जाते 100 लंघते है, क्या है कोई, देखो विकास है कोई भी? तो यहाँ पे जो मौजूद है घर के लोग भी उनसे बात कर लें, क्या लग रहा है सफाई क्यों, सफाई वास्ता की हालात क्यों ऐसे हैं, कौन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ओए नहीं सुनाई करदा, असी ता रोज एमसी नु फोन कर उनु कर, असी ता कोई देखया ही नहीं, मैं ता कोई आंदा कोई इत्थे ता जेड़ा बड़ा कमेटी दा प्रधान ओ नहीं देखया कदी आंदे असी इत्थे, ना कोई साडी सुनाई करदा, असी हुण क्या करी, बीमार बंदे किथे नु फोन करिए, किथे नु जाइए, क्या करिए असी, है कमाई करिए गए असी इत्थे न्याणे पाड़िए गए इन्हां ते सफाइयां करिए, कासी दी असूलत है ही नहीं साडे महल्ले नूं, तां इधर तां गलियां च गंद, उधर तां गलियां च गंद, है असी तां ओह परले कमरियां च बहिंदे जा के परली साइड नूं, इधर नूं असी बूहा भी नहीं खोलदे अपना, होर सुनवाई क्यों नहीं हो रही पता नहीं सानू, असी तां क्या ते नहीं करदे इधर दे महल्ले दी, वोटां नूं आ जांदे ज्यादा हुंदे, वोटां सानू पायो, है अगर आप वोटों को ले आओगे तो क्या करोगे? आप दीबड़ लावांगे, नठावांगे सारे नु, कहांगे भी असी आई वोटां कहते पानियां, बच्चियां नु तां नहीं कोई रोजगार, साडा बच्चा एडा पढ़िया लिखिया कोई इत्थे काम नहीं हैगा, बाहर दे कमेटियां च अजूबियां च सारे च बाहर दे बंदे रखे वे, अज तकर साडे न्याणे दी किसी दी सुनाई नहीं हैगी, कहंदे बस सिफारिश लियाओ सिफारिश लियाओ, असी किहनू लिया दी सिफारिश, वोटां तो उन्नू पंजवां सिफारिश कित्थों लियाईए जा, गली वास्ते भी सिफारिश, गली इस रास्ते के लिए भी गली सिफारिश मांग रहे, सिफारिश मंगदे होणे जद कदी आए नहीं है, होर असी कित्थे न जाइए, सानू इन्ना औखा होया पिया इस गल च। हाँ जी की कहना चाहते? साडा मुंडा बीमार है मेरा, अन्ना अखा ते ते स्मैल आंदी बहुत, असी गटर दा पानी पाइप जां पाण लगे ते असी थोड़ा जिहा पाता नाली नूं कढ़ता भी जे उह भर गिआ तां साडा पानी साडे दरवाजे मूहरे घुम्मणा, ते उह पानी हुण गटर दा पानी उर नाली नूं पिआ वा, जदों निकलदा तां इन्नी स्मैल आंदी अंदर खड़िया नहीं जांदा। साडी बेनती है भी इह सिविल सड़कां तां उच्चियां हो गईआं पर सिविल दा नहीं देखिआ भी सिविल ते भार पैंदा पिआ, थल्ले कहिंदे लैंटर पिआ वा,
वो थले कुछ पाया वा पै पाया वा तो दबा पे पे किसी दब गई पै पे तो ये बेनती करके भी यही सिविल का कम होना चाहिए। की लगता जी को काम कर नहीं रहे थे करता कोई नहीं करता पिया काम एक देखता नहीं पिया ऐदा पटिया मूहे गंद दिखा करता सारे लंघिया करते लोग तो बच्चे लंघते सवेर स्कूलों के वर्दियों के छट्टे पेंदे सच बोलिया मुंडा तो ये क्यों नहीं करते पे क्यों नहीं देखते पे आनंदपुर के बच्चे हाल चोई बाजार ता हाल तो सारा पानी चरण गंगा कढ़ता इन्होंने तो ये तुम देखो बई ये क्यों नहीं कम हों पाया पहला क्यों तो इदा सहूलत हूँ क्यों नहीं सहूलत मिल दी प तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो आपके सामने है क्योंकि जो मेन रास्ता है कहीं ना कहीं जिसके चलते इस मेन रास्ते से लोग गुजरते हैं स्कूली बच्चे जो आ रहे हैं वो तस्वीरें दिखा दें स्कूली बच्चों की तस्वीरें दिखा दें कि जो स्कूली बच्चे आ रहे हैं उनकी तस्वीर दिखा दें यही रास्ते से गुजरते हैं वो बच्चे तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कहीं ना कहीं कहना पड़ सकता है कि नगर कौंसिल की बात कर लें प्रशासन की बात कर लें और उनका ध्यान क्यों नहीं इस तरफ क्योंकि एक एकमात्र ये रास्ता है यहाँ से लोग ज़्यादातर यही रास्ते से लोग जो गुजरते हैं साथ एक समाज सेवी भी मौजूद है बलराम पराशर जी आप समाज सेवी हो लगातार अगर बात करें श्री आनंदपुर साहब की व्यवस्था क्यों ऐसी है क्यों आनंदपुर साहब की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा है भगवंत जी कि श्री आनंदपुर साहब को गुरुद्वारे का दर्जा प्राप्त है और श्री आनंदपुर साहब की जो नगर पालिका है वो ए क्लास नगर पालिका है पर लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग गुरु नगरी में रह रहे हैं आज वो खुद को नरकवासी महसूस कर रहे हैं। पहले भी आपके द्वारा अलग अलग वार्डों के मुद्दे उठाए गए थे और उनको हल करवाया गया था और आज भी लग रहा है कि आप आए हैं तो जल्द से जल्द ये काम निपट जाएगा लेकिन जो हालात हो रखे हैं वार्ड नंबर एक श्री आनंदपुर साहब का जो पड़ता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीवरेज उफान पर हैं सीवरेज का गंदा पानी बाहर निकला है लोग बीमार पड़े हैं और पूरे का पूरा ये जो एक मोहल्ला है मोहल्ले में डेंगू चिकनगुनिया जो फैल चुका है इसके कारण कुछ लोग पीजीआई में तक इलाज करवा रहे हैं और त्रासदी ये है जो बड़ी शर्म की बात है कि सिविल हॉस्पिटल श्री आनंदपुर साहब इसके करीब है और ये मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है ये इसके करीब है और यहाँ से नगर पालिका का जो दफ्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर होगा लेकिन ये नीरसता और ये इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये किस कारण हो रहा है ये हमारे समझ से परे है। हमारी मंत्री साहब से भी अब नई सरकार बन चुकी है 7 महीने हो चुकी है मंत्री साहब से भी ये दरख्वास्त है मंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि मंत्री साहब आप जरा आनंदपुर साहब की ओर ध्यान दीजिए और श्री आनंदपुर साहब के जो लोग नरकवासी बन चुके हैं उनको नरक से निकाल कर उनको अच्छे माहौल में लाएँ जो लोग बीमार पड़े हैं उनका हाल चाल पूछे जो काम ये लोग कर रहे हैं ये तो नगर कौंसिल के अधिकारियों का काम है फिर आम लोग कर रहे हैं नगर कौंसिल किस चीज़ के लिए बनी हुई है। देखिए नगर पालिका जो आनंदपुर साहिब की है वो टैक्स तो ए क्लास के ले रही है लेकिन लोगों को सुविधाएं जो है वो डी क्लास से बदतर मिल रही हैं। ये नगर कौंसिल के कर्मचारियों का काम था जो ये लोग खुद कर रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं इनको कारण ये कोई सुनाई नहीं है सुनता कोई नहीं है। अभी यहाँ पे पीछे 8.5 करोड़ रुपए सीवरेज के डेवलपमेंट के लिए आए थे लेकिन लग नहीं रहा है कि 8.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला है तो कहीं ना कहीं बू आ रही है घपले की बू आ रही है। जैसे हम श्री आनंदपुर साहब की अगर बात कर लें ऐसे हालातों के बीच कह सकते हैं कि खालसा की जन्मभूमि के जो हालात हैं वो ऐसे होने चाहिए जा और जो बाहर से लोग आते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा चीज़ का। ये बहुत अन्याय है यहाँ जो विदेशी सैलानी हैं जहाँ अलग अलग शहरों से पूरे देश से प्रदेश से जो सैलानी यहाँ पर आते हैं श्री गुरु सीसगंज साहब मथा टेकने के लिए गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहब मथा टेकने के लिए उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और मन में बहुत पीड़ा होती है कि श्री आनंदपुर साहब के हालात ऐसे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर लें हम श्री आनंदपुर साहब के हालातों की अगर बात कर लें तो हालात जो हैं श्री आनंदपुर साहब के रास्ते भी जो रास्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और जिसकी तरफ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं जो यहाँ के हम बात कर लें जहाँ के जो गन्नू प्राशर जो हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी है कहीं ना कहीं उनका ये कहना जरूर है कि जो यहाँ के मंत्री हैं उनको इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए कि श्री आनंदपुर साहब में आखिर हो क्या रहा है क्या नगर कौंसिल अपनी ड्यूटी बखूबी कर रही है उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। अपने सहयोगी अमन के साथ भगवान सिंह श्री आनंदपुर साहब।